तो ये बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, स्लो कुकिंग। जितने आराम से कुकिंग करेंगे उतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी गुरु। आज हम बनाने वाले हैं आप सबकी फेवरेट बिरयानी। बिरयानी बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, डिश कोई भी हो, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आपकी डिश भी उतनी ही परफेक्ट बने। पर उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। वीडियो को एन्जॉयमेंट में मत देखिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए और फिर रेसिपी बनाइए। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर एक स्टेप्स दिखाने की, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप्स मिस ना हो जाए। तो चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले चावल उबालने के लिए हमें चाहिए घी, नमक, बे लीफ, इलायची, तज, लौंग, चक्रफूल और चावल। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है और सोक कर लिया है। चावल को उबालने के लिए मैंने गैस पे पानी गर्म करने रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे और सारे खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं बे लीफ, स्टार अनाइस, 3-4 लौंग और हरी इलायची। इससे क्या होगा, चावल के अंदर इसका फ्लेवर अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा नींबू, ये इसलिए ताकि चावल अच्छी तरह से खिल जाए। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी, इससे हमारे चावल के दाने दाने छूटे बनेंगे। अब हम इसमें 2 कप चावल डालेंगे। चावल को हमें 80% तक कुक करना है। जब तक चावल उबलते हैं हम फ्राइड ऑनियंस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करने रख दिया है और प्याज को भी पतला पतला काट लिया है। तेल गरम हो गया है, हम इसमें प्याज डालते हैं। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना प्याज बाहर से जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। 5 मिनट में प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे प्याज को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। अब हमारे चावल भी 80% तक पक चुके हैं। इसको हम एक छन्नी में छान लेते हैं और चावल को हम साइड में रख देते हैं। अब हम पनीर मक्खनी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए बटर, नमक, दही, फ्राइड ऑनियंस, कसूरी मेथी, फ्रेश क्रीम, चीनी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, तेल, सूखी लाल मिर्च, प्याज, टमाटर, पनीर और काजू। अब पनीर मक्खनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर और 1 चम्मच तेल। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप प्याज, 2 कप टमाटर, करीबन 1 चम्मच अदरक और लहसुन, 3-4 सूखी लाल मिर्च, 8-10 काजू, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक और 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप फ्राइड ऑनियंस। अब इसमें हम डालेंगे करीब 1/2 लीटर जितना पानी। पानी
पानी डालकर इसको हम अच्छे से पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। जब तक कि ये टमाटर पूरी तरह से गल जाए तब तक इसे पकाना है। इसको हम ढक देते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं, चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, वाव, ये अच्छी तरह से मेसी हो चुका है। इसको हम ठंडा करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे और वही कढ़ाई में हम डालेंगे ये हमारी मखनी ग्रेवी। अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। इसमें अच्छा सा बॉयल आने के बाद हम इसमें आधा कप दही डालेंगे, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसे हमें 5 मिनट तक उबालना है। हमारी मखनी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें 500 ग्राम जितना पनीर डालेंगे। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। पनीर डालकर इसे 3-4 मिनट तक कुक होने देना है ताकि पनीर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारी पनीर मखनी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब बिरयानी को दम लगाने का टाइम आ चुका है। हम गैस पे एक तवा रख कर उसके ऊपर पैन रख कर इसमें असेंबल करेंगे। पैन पर हम थोड़ा सा बटर फैला देंगे। आप घी या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। इसको हम अच्छे से सारे पैन पर फैला लेंगे। इसके ऊपर हम पनीर मखनी की लेयर लगा देंगे। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे ये चावल की लेयर। चावल को उबाल के छान लिया था मैंने पहले ही, वही चावल की लेयर हम यहाँ पर लगाएंगे। अच्छे से फैला लेंगे चावल को। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ये थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते, बारीक कटे हुए धनिया और फ्राइड ऑनियंस। और फिर से हम करेंगे लेयरिंग पनीर मखनी की। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे उबले हुए चावल पुदीना के पत्ते धनिया फ्राइड ऑनियंस और इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। अब मैंने आटा लिया है और उस आटे को हम ऐसे साइड पे लगा देंगे। ये आटा क्या करेगा, इसको अच्छे से सील कर देगा और स्टीम अंदर बनी रहेगी। अब इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक स्टीम होने देना है। फिर इस पे हम ऐसे रखेंगे छोटी सी डिश। आप फॉइल का भी यूज़ कर सकते हो। इस पे हम रखेंगे ये कोयला और इस पे हम डालते हैं थोड़ा सा देसी घी। फटाफट से हम इसको बंद कर देंगे। 2-3 मिनट तक इसे ढक कर रखेंगे ताकि बिरयानी अच्छे से स्मोक हो जाए। वाव, क्या फ्लेवर आ रहा है। चलिए फटाफट से इसकी प्लेटिंग करते हैं। साइड से ये आटे को निकाल लेते हैं और इसे बॉल में निकाल कर सर्व करते हैं। मेरे घर पे तो ये सबको बहुत ही पसंद है और आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
तो आप भी ये पनीर मखनी दम बिरयानी घर पे बनाइए, खाइए और नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।